Hello students, good morning to all of you. How are you? I hope you all are fine. Okay, so today we are going to start our class English. Okay, आज हम फिफ्थ स्टैंडर्ड में हमारी इंग्लिश क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको आज हम फर्स्ट लेसन उसको हम रीड करेंगे. ओके, यू नो ये जो हमारे जो कोरोना में हमने क्या किया है, बहुत से उसको सावधानी को लेकर चल रहे हैं, प्रिकॉशंस को लेकर चल रहे हैं. तो आई होप आप जो घर पर स्टडी कर रहे हैं वो उस पर बहुत ही ध्यान दे रहे होंगे. तो आज हम इसको हम वीडियो के थ्रू या उसको ऑनलाइन कैसे हम समझ सकते हैं उसको और समझने की हम कोशिश करेंगे. ओके, सो लेसन फर्स्ट इज पोयम. हमारा जो लेसन फर्स्ट हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है, एक पोयम है. जब कोई भी चैप्टर को हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें पोयम को दिया जाता है. जैसे कि क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले एक प्रेयर जो होती है. ओके, जैसे कोई भी चैप्टर, जब कोई भी क्लास में हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हमने अधिकतर ध्यान दिया है कि हमने क्या देखा है, फर्स्ट लेसन में हमें प्रेयर दी हुई होती है. तो ये भी क्या है, एक प्रेयर है. ओके, लेसन फर्स्ट इज ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट. ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग होता है ट्रस्ट इन गॉड मीन्स हमें क्या करना है, भगवान पर भरोसा करना है. एंड डू द राइट, भगवान पर भरोसा रख के हमें उन पर ट्रस्ट करके, ओके, भगवान पर ट्रस्ट करके हमें सही की तरफ बढ़ना है और हमेशा क्या करना है, सही करना है. ओके, नाउ दिस पोयम रिटन बाय नॉर्मन मैकलियोड. ओके, ये जो पोयम है वो किसके द्वारा लिखी गई है, नॉर्मन मैकलियोड के द्वारा ये पोयम लिखी गई है, जो कि एक फेमस पोयट है. ओके, यू नो जो पोयम लिखते हैं वो क्या होते हैं, पोयट होते हैं. सो नॉर्मन मैकलियोड जो है वो क्या है, एक पोयट है. ओके, नॉर्मन मैकलियोड इज अ फेमस पोयट. ओके, नाउ ये जो पोयम, इससे हमें टू क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डू यू रिमेम्बर विच यू आर इन डिफिकल्टी. क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जब आपको परेशानी हुई है, जब आप कोई बात समझ में नहीं आ रही है, या कभी ऐसी कंडीशन आई है कि हमें क्या करना चाहिए. ओके, तो ये सब हम बातें किसके सामने रखते हैं, गॉड. ओके, ये जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं या हमारी जो डिफिकल्टीज होती हैं वो हम किससे बताते हैं और हमें क्यों लगता है कि वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. हम सारी परेशानी जो होती है, सारी हमारी डिफिकल्टीज जो होती है वो हम गॉड के सामने रखते हैं. ओके, हमें क्यों ऐसा लगता है, बिकॉज गॉड इज अ ग्रेट मीन्स जो गॉड है वो बहुत ही महान है और वो हर समस्या का हल उनके पास है. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, यहां से सेकंड क्वेश्चन बनता है, डू यू प्रे टू गॉड एवरी डे. क्या आप भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं. यस, हर इंसान जो होता है, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, वो किसके सामने अपनी प्रेयर करते हैं, गॉड के सामने. और गॉड के सामने सारी डिफिकल्टीज को, सारी जो परेशानी होती है वो किसके सामने बताते हैं, हम गॉड के सामने. ओके, नाउ वी रीड दिस पोयम. आई होप आपने ये जो बुक है वो ओपन कर ली होगी और जो लेसन फर्स्ट है हम आज उसको रीड करेंगे. ओके, सो आप देख सकते हैं, जैसे आप फर्स्ट लेसन फर्स्ट जो है वो आपको ये दिया हुआ है, ट्रस्ट इन गॉड. ओके, ये आपको पेज नंबर फर्स्ट पर मिलेगा. नाउ आर यू रेडी फॉर दिस पोयम. ओके, सो आई स्टार्ट दिस पोयम. नाउ वी स्टार्ट. करेज ब्रदर डू नॉट स्टम्बल. जो पोयट है वो क्या कहते हैं कि अरे भाई ठोकर मत खाओ, अपने आप में क्या रखो, साहस रखो. ओके, अरे भाई ठोकर मत खाओ, स्टम्बल मीन्स क्या होता है, ठोकर खाना. ओके, तो जो पोएट है, पोएट से दैट, अरे भाई ठोकर मत खाओ, साहस से आगे बढ़ो, दफ दाय पाथ बी डार्क एज नाइट. हाँ, ये है कि आपका जो, आपकी जो लाइफ का जो रास्ता है वो क्या है, रात के अंधेरे के समान पूरा अंधेरे से भरा हुआ है, बट उसमें क्या है, एक होप रेज है, मींस एक आशा की किरण है कि हमारी लाइफ में कभी ना कभी तो खुशी आएगी
या कभी हमारी परेशानी हमसे दूर होगी और एक ऐसी किरण आएगी जो हमारे अंधकार को दूर कर देगी, वो क्या होगी? नॉलेज की रेज। ओके, जो नॉलेज की जो किरण होगी वो हमारी लाइफ को क्या कर देगी? उजाले से भर देगी। ओके, देयर इज स्टार टू गाइड द हम्बल, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। ओके, जब एक आशा की किरण हमारी लाइफ में आएगी तो जो उसकी रोशनी है वो कहां पर? आकाश पर भी चमकेगी। ओके, स्टार टू गाइड द हम्बल। ओके, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, भगवान पर भरोसा रखो और सही रास्ते को चुनो और सही रास्ते पर चलो। ओके, नॉर्मन मैथ्रियोड है वो इस पोयम को कह रहे हैं कि जो इंसान है उनसे कह रहे हैं कि तुम अपने रास्ते में आगे बढ़ते जाओ, कोई ना कोई आशा की किरण आपको ऐसी दिखेगी जो आपको लाइफ को उजाले से भर देगी। ओके, नाउ नेक्स्ट हम कैंटो पढ़ेंगे, लेट द रोड बी रफ एंड ग्रीन। हम देखते हैं कि जो रोड होती है वो बहुत ज्यादा रफ है और बहुत ज्यादा सूखी हुई है, रेडी है। ओके, एंड इट्स एंड फार आउट ऑफ साइट, और इसमें क्या है? और उसका कोई अंत नहीं है। ओके, ये जो रोड है क्या हम कहां तक गई है, इसका कोई अंत है क्या? नो। ओके, फार आउट ऑफ साइट, हमें नहीं पता कि इसका अंत कहाँ है। ओके, फूट इट ब्रेवली स्ट्रॉन्ग और वेल, मीन्स ये जो हमारी लाइफ की जो सड़क है वो कैसी है? अभी उबड़ खाबड़ है, अंधकार से भरी है और हमें कुछ भी नहीं पता कि हमें आगे करना क्या है। ओके, नाउ फूट इट ब्रेवली, हमें क्या करना है? इस रास्ते पर बहादुरी से आगे बढ़ना है। मीन्स जो उबड़ खाबड़ रास्ते की जो तुलना की गई ना, वो हमारी लाइफ से की गई है कि जो हमारी लाइफ है वो कैसी परेशानियों से भरी हुई है और उस परेशानी भरे रास्ते पर हमें कैसे बहादुरी से आगे बढ़ना है। ओके, स्ट्रांग और वेरी, आप स्ट्रांग बनिए, मीन्स अपने आप में इतनी शक्ति रखिए कि आप हर परेशानी को आसानी से दूर कर सके और अपनी लाइफ के रास्ते में आगे बढ़ सके। ओके, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। लास्ट में जो पोएट है, पोएट कहते हैं कि अपनी लाइफ की सारी डिफिकल्टीज को दूर कीजिए और भगवान पर भरोसा रख के सही कीजिए। ओके, ये जो पोयम है, दिस पोयम इज कंप्लीटेड, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोयम। ओके, आप इस पोयम को समझ गए होंगे और इस पोयम में क्या बताया है कि हमें हमारी लाइफ की कितनी भी डिफिकल्ट कंडीशंस हो, ओके, कितनी भी डिफिकल्ट कंडीशन हो, हमें क्या करना है? ब्रेवली उनको सामना करना, उनको फेस करना है और फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ये हमने क्या सीखा है इस पोयम से कि हमें हमारी लाइफ में हमेशा डटकर सामना करना चाहिए किसी भी मुसीबत का और हमें हमारी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ओके, आई होप अंडरस्टूड दिस पोयम एंड नाउ यू वर्क, योर वर्क इज, आपको पेज नंबर 1 पर ही देखिए ग्लॉसरी दी हुई है। ग्लॉसरी हर पोयम में होती है या हर चैप्टर में हमें क्या दिए होते हैं? वर्ड मीनिंग दिए होते हैं। ये जो ग्लॉसरी आपको दी हुई है, ये क्या करना है आपको? अपनी फेयर नोटबुक जो आपने बनाई है ना इंग्लिश की, उसमें हमें क्या करना है? अच्छी हेडिंग डालना है और फिर ये जो वर्ड मीनिंग है हमें उसको राइट करना है। ओके, ये आपको सेल्फ से करना है क्योंकि आप ये बुक में दिए हुए हैं और इनको हम मीनिंग हमें ये पीडीएफ में मिल सकती है। ओके, नाउ टर्न योर पेज एंड सेकेंड नंबर पेज पे आप देखेंगे आपको एक्सरसाइज दी हुई है। ओके, एक्सरसाइज जो आपको दी हुई है इसमें हमें क्या करना है? ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं आपको, ये वर्ड्स जो दिए हुए हैं आपको क्या करना है? इनको रिपीट करना है। ओके, जो जिनको हम राइमिंग वर्ड्स बोल सकते हैं, जो राइम होती है वो क्या होती है? हम वन बाय वन एक वर्ड को बोलते जाते हैं जिनके सेम राइम होती है, जो बोलने में कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं। ओके, तो जो कुछ वर्ड है हमें क्या करना है? इनको रिपीट करना है, ये जो वर्ड हमें दिए गए हैं। देन नेक्स्ट आपको वर्ड पावर दिया हुआ है। वर्ड पावर में हमें क्या करना है? मेक सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड गिवन बिलो। हमें क्या करना है? ये जो वर्ड दिए हुए हैं इन वर्ड्स की हेल्प लेना है और एक सेंटेंस हमें बनाना है। जैसे यहाँ पे करेज दिया हुआ है, करेज मीन्स क्या होता है? साहस करना। ओके, तो इसी से हमें क्या बनाना है? एक सेंटेंस बनाना है जिसका आंसर आपको पीडीएफ में अवेलेबल है, तो वहां से देख करके आप सारे सेंटेंस को पढ़ेंगे और फिर उनको अपनी
नोट बुक में लिख लेंगे। ओके नाउ मैच दीस हम कहाँ करते हैं, अपनी बुक में करते हैं। ओके तो आपको ये जो मैच दीस है ये आपको अपनी बुक में फिल करना है। देन नेक्स्ट आपको कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है। कॉम्प्रिहेंशन में आपको पता है क्या दिया होता है, जो हमें क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं, हमने जो पोयम पढ़ी है उससे कुछ क्वेश्चन निकलेंगे। ओके अब जब क्वेश्चन निकलेंगे तो उसके क्या देना पड़ेंगे हमें, आंसर राइट। ओके सो हमें आंसर दिस क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके सारे क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे और सारे आंसर आपको कहाँ मिलेंगे, पीडीएफ में। तो पीडीएफ से देख करके आपको सारे आंसर अपनी नोटबुक में, जो आपने फेयर नोटबुक बनाई है उसमें आपको आंसर राइट करना है। ओके देन नेक्स्ट आपको दिया हुआ है लेट्स टॉक, हमें कुछ डिस्कस करने के लिए दिया होता है। डिस्कस इन ग्रुप हाउ शुड बी बिहेव इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, कुछ यहाँ पे हमें सिचुएशंस दी गई है उनको हम कैसे फेस करेंगे, क्या करेंगे उस कंडीशन में, अपने आपको व्यूज लिखना है। फिर लेट्स रीड, आपको एक पोयम दी हुई है थर्ड नंबर पेज पे, आपको वो पोयम जो है वो उसको रीड करना है। क्या आप सेल्फ से करेंगे, क्योंकि रीड तो आप ही करेंगे। ओके नाउ आपको ये जो एक्सरसाइज दी हुई है बहुत क्लियरली और प्रॉपरली वैसे अपनी नोटबुक में राइट करना है और सारे जो एक्सरसाइज है उसको लर्न करते जाना है। ओके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको केयरफुली हमें पढ़ना है, मैच करना है पीडीएफ में आंसर से और फिर उसको हमें देख करके राइट करना है। ओके इट्स योर वर्क। नाउ योर होमवर्क इज रीड केयरफुली दिस पोयम। ओके आपको ये जो पोयम है ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, ये जो पोयम है आपको क्या करना है, रीड करना है, उसको समझना है। आई होप आप ये जो पोयम समझ गए होंगे, तो हमें क्या करना है, इसको रीड करके एक बार अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है कि आपकी ये जो पोयम है वो क्या बताना चाहती है। ओके तो आपने ये जो समझाया है हमने जो आज, अगर आपको समझ आया है तो ये पोयम आज फिर से आप रिपीट करके उसको समझेंगे और उसको लर्न कर लेंगे उसकी फोर लाइन्स, क्योंकि हमने देखा है कि जो एग्जाम्स होते हैं उनमें पोयम भी फोर लाइन्स आती हैं, तो ऐसे ही हमें फोर लाइन्स लर्न कर लेना है। ओके और वर्ड मीनिंग को केयरफुली हमें रीड कर लेना है, और जो सारी एक्सरसाइज है उसको हम एक बार लर्न कर लेंगे, एक बार रीड कर लेंगे, तो हमें क्या होगा, याद होगा। नाउ वी लर्न फ्रॉम दिस पोयम, हमने इस पोयम से क्या सीखा कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, करेज मीन्स होता है साहस, ट्रस्ट रखना चाहिए ईश्वर पर, और हमें हमेशा जो काम है वो ब्रेवली हमें करना चाहिए। पॉजिटिव थिंक मीन्स हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हम पॉजिटिव थिंक रखना चाहिए। एक पॉजिटिव थिंकर क्या बढ़ता है, आगे बढ़ता है, मीन्स जो सकारात्मक विचार रखते हैं, जो कभी नेगेटिव नहीं सोचते वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं। ओके मैंने यहाँ पे आपको मीनिंग भी लिखी हुई है कि इस पोयम से हमने जो सीखा है, जैसे करेज है तो करेज मीन्स क्या होता है, साहस, ट्रस्ट मीन्स क्या होता है, सत्य या विश्वास। ओके ब्रेव मीन्स क्या होगा, बहादुर। देन नेक्स्ट पॉजिटिव थिंकर मीन्स जो अच्छे विचार रखते हैं, जो सकारात्मक विचार होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव थिंक। ओके नाउ आवर क्लास इज कम्प्लीटेड एंड आई होप अंडरस्टूड दिस पोयम एंड नाउ योर होमवर्क इज रीड केयरफुली दिस पोयम एंड लर्न द एक्सरसाइज दिस पोयम। ओके थैंक यू।